भाग रहे हैं। बहुत ब्रूटली काटता है ये। बड़ा ब्रूटली चलेगा। नमस्कार जय हिंद दोस्तों। और अभी हम लोग बिलासपुर के गुरु क्षेत्र में आए हुए हैं और ये जानवरों का चारा रखने वाली जगह है। तो जो घर के लोग हैं वो लोग काफी दिनों से परेशान हैं क्योंकि इनके घर के जो छानी वाला हिस्सा वहाँ पे एक पाइथन कई दिनों से, तो उनको अपने जानवरों के लिए भी खतरा था और ये लोग लगातार यहाँ पे आ रहे थे। तो जाने अनजाने किसी के साथ कोई हादसा ना हो इसलिए हम लोग इस सांप को रेस्क्यू करके इसके नेचुरल प्लेस पर रिलीज करते हैं। आप देखिए छानी में ऊपर वाले हिस्सा है। उनकी दीदी का नाम सोना है, वैसी दिखती है तो अच्छा सोना दीदी आई है करके सोच रहे बच्ची। अच्छा देख ठीक से दिखाना। ऊपर ही काटेगा ये पता है। नहीं मुंडे को उसी में रख दबा दो, लफड़ा ही खत्म। बैठने खड़े होने की जगह तो है नहीं। मैं ऊपर सब हो जाए। अम्मा यहाँ पे जगह होनी चाहिए ना मेरे काम करने के लिए। रोटी कर रहा है देख के कर ले। मेरे ऊपर भी कर दीजिएगा पैंट में। पूरा बॉडी निकालने दो ना इधर खींचो। इधर फंसा के रखा है ना अपनी बॉडी को। हाँ जान दो बाड़ी में जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं है। रोबोट लग गया है। उधर से देखो तो भाई किसी को दिख रहा है क्या? किसकी गिराओ तो कोच को नहीं छूटेगा। वो घूम के आ रहा है वापस। वो देखो लगाओ सूरी को भैया जल्दी लगाओ जल्दी लगाओ। भाग रहे देखना। यहाँ से कुछ को तो भैया बाइट मारेगा। कोई ऑप्शन ही नहीं मेरे पास काम करने के लिए। राइट हैंड नहीं है ना। मार देगा हाथ में तुम्हारा। अरे बिल्कुल नहीं है। देखो बचाना है तुम गिरना नहीं है ना। भाग रहे और कुछ को काम कर नहीं, नहीं नहीं अपना कंफर्ट जोन देख लेना। स्लिप मार रहा ना। हाँ ताकत बहुत होता है वो फाड़ा भी है। आप कैसे नीचे जाओगे? आप मैं चल दूंगा मेरी चिंता मत करो तुम अपना ख्याल करो बस। पैर को बड़ा लगेगा। लेकिन ये अपने शिकार को अपने ताकत के बल पर ही सिर्फ मारते हैं और उसका शिकार करके खाते हैं। मेरे जूते को काटे गए पता है ना। चारा ही नहीं मेरे पास खाने के लिए। बहुत ब्रूटली काटता है ये। बहुत बेरहमी से मारता है। उतरने दे तब तो भैया राजा।
उतरेगा ना अटैक मेरे पैरों पर ही करेगा। इसको एक ग्रिप मिल गया ना अच्छा खासा। अब आज उतर जाओ। देख तो कैसे लपेट डरी चूरा। मंगा लेना। चलो देखना आप है ना। भाग लाइट वाले कहाँ भाग जा रहे हो भैया? भैया अरे कुछ नहीं होगा ना भैया, चिंता मत करो। इसकी ताकत तो मैं नमन करती हूँ। लाइट को कोई और पकड़ लो, आप प्रॉपर शूट करोगे। हम लोग कर लेंगे। लाइट बहुत पास गया लाइट को भी, थोड़ा दूर रखो, दूर रखो, दूर लाइट को। फाइनली ये रेस्क्यू कंप्लीट हुआ और मैंने इसका हेड कैच नहीं करा क्योंकि मुझे ऐसी कोई नीड महसूस नहीं हुई। तो हम लोग वो शो ऑफ करने वाले रेस्क्यूअर्स नहीं है जो जानबूझ के अजगर का मुंडी पकड़े और फिर दिखावा करे, वो चीज नहीं करना है। आप अगर कोशिश करिए सांप को जितना कम छेड़खानी करे उतना कम छेड़खानी करके उसको आराम से रेस्क्यू करिए और उसके नेचुरल प्लेस पर उसको रिलीज कर दीजिए। यही इनके लिए बेस्ट तरीका होता है और हम लोग भी इससे बहुत ज्यादा सेफ रहते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप लोग अपने और अपने परिवार का ध्यान रखिएगा। थैंक यू। जय हिंद। वंदे मातरम।